के अफसर असोला भाटी माइंस जहां पे वन महोत्सव था वहां पहुंचे, उन्होंने सारा स्टेज अपने कब्जे में लिया और वहां पर लगी हुई एलईडी स्क्रीन जिस पर दिल्ली के छोटे छोटे बच्चों ने दिल्ली के अंदर पेड़ लगाने के लिए क्या क्या किया उसकी एक फिल्म चलानी थी, उस एलईडी स्क्रीन के ऊपर उन्होंने एक मोदी जी का प्लास्टिक से बना हुआ होर्डिंग लगा दिया। अब सवाल यह उठता है, दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जोर जबरदस्ती करने के लिए पुलिस भेजते हैं और अपना पोस्टर होर्डिंग वहां पर टंगवाते हैं, यह कितनी बचकानी बात है, यह कितनी छोटी बात है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री इतने डेस्परेट हैं कि मैं हर मंच पर अपनी तस्वीर लगा लूं। ऐसा कौन करता है? मतलब ऐसे तो फिल्मों में जो राजा बाबू थे, गोविंदा की फिल्म थी, वो करते थे कि उनके घर में जब उनका रिश्ता लेने करिश्मा कपूर के घर वाले पहुंचे, जो उसमें कलाकार थी, तो कहती यहां भी गोविंदा की फोटो, उसमें वो इंस्पेक्टर है, यहां भी गोविंदा की फोटो, उसमें वो डॉक्टर है, यहां गोविंदा की फोटो, वहां वो आर्मी में है, यहां गोविंदा की फोटो, उसके अंदर वो वकील है। तो रिश्ते वाले कह रहे कि अरे ये जिससे हम रिश्ता करने आए ये क्या है, हर जगह इनका फोटो, कहीं वकील, कहीं डॉक्टर, कहीं थानेदार। तो कहते है तो कुछ भी नहीं, मगर इन्हें फोटो का बड़ा शौक है। तो मोदी जी ने आज अपनी इमेज ऐसी बना ली है, हर जगह फोटो का शौक है। दुनिया वाले हंसेंगे हम पे। जिस पर्यावरण दिवस पर मोदी जी की सरकार कहती है सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करना, वहां पे सिंगल यूज प्लास्टिक का बना होर्डिंग मोदी जी का लगाया जा रहा है और पुलिस को भेजा जा रहा है। अब आप सिविल लाइन से यहां से जाएंगे असोला भाटी माइंस तक, वहां पर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के होर्डिंग्स लगे थे। इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या कभी देखने में नहीं आई। सारे होर्डिंग्स जो हैं वो फड़वाए गए हैं। आप जाएंगे तो आपको दिखेगा रास्ते के अंदर जितने भी होर्डिंग आएंगे सब होर्डिंग्स को फाड़ा गया है, सब जो है कार्यक्रम के फोटोज को फाड़ दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर अरविंद केजरीवाल है। मैं एक बहुत साधारण सा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी वालों से करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी 14-15 साल जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, क्या नरेंद्र मोदी जी 14-15 साल तक भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीरें लगाते थे? अगर वो अपने कार्यक्रम के अंदर सरदार मनमोहन सिंह की तस्वीरें लगाते थे तो बहुत अच्छी बात है, हम भी प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इतने सारे राज्यों के अंदर रही, ये तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अपने आप बलबूते पर सरकार बनी है, इनकी तो सरकार कभी नहीं बनी। क्या ये उस समय इंदिरा गांधी के होर्डिंग लगवाते थे? क्या ये उस वक्त राजीव गांधी के होर्डिंग लगवाते थे? क्या ये उस वक्त नरसिंह राव के होर्डिंग लगवाते थे? क्या उस वक्त ये मनमोहन सिंह के होर्डिंग लगवाते थे? इनकी सरकार मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, गुजरात में होती थी, कई राज्यों में चलती थी। आज आपके पास एक कार्यालय आया है तो आप गुंडागर्दी पे उतर आए, दादागिरी पे उतर आए, तानाशाही पे उतर आए। ये तो तानाशाहों क्या होता था? आप जाइए दुबई, यूएई, कतर, इस जगह जाइएगा तो हर दुकान में वहां के जो दुबई के जो वो हैं रूलर, उनकी तस्वीर होती है हर दुकान में, हर होटल में। आप जैसे ही घुसेंगे उनके रिसेप्शन पे, उनके शेख जो है, उनके जो रूलर्स हैं, उनके जो राजा हैं, उनके जो शाह हैं, उनकी तस्वीरें होती हैं। अब तो ऐसा समय आने लगा है मुझे लगता है कि हर जगह मोदी जी की तस्वीर लगाने के लिए कानून बनने वाला है कि इनकी तस्वीर लगे। ये बहुत मुझे लगता है कि हास्यास्पद बात है और बड़े दुख की बात है
कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई प्रसिद्धि से ईर्ष्या खाकर जलसी जलन के कारण हमारे ऊपर हर तरीके से हमले करा रहे हैं, मुकदमे करा रहे हैं, ईडी भेजी जा रही है, सीबीआई भेजी जा रही है, गिरफ्तारियां कराई जा रही हैं, और अब तो होर्डिंग तक फाड़कर एलईडी स्क्रीन के ऊपर जो है मोदी जी की तस्वीर लगाई जा रही है, इसका हम लोग जो है भरसक इसकी निंदा करते हैं। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर एक राजनीतिक कार्यक्रम में तब्दील किया गया, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री ने फैसला किया कि हम ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, मगर पर्यावरण के लिए जो काम दिल्ली सरकार पिछले 7-8 सालों से कर रही है, जिसमें दिल्ली का जो फॉरेस्ट कवर है वो 20% से बढ़कर वो ग्रीन कवर 23% हुआ, दिल्ली के अंदर PM2.5 जो प्रदूषण की दर नापने का एक बेंचमार्क है, वो दर दिल्ली वालों की मेहनत से 25% तक PM2.5 दिल्ली के अंदर कम किया। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा देके कही है कि दिल्ली के अंदर सरकार बनने के 3 सालों में 25% PM2.5 कम हुआ, और दिल्ली सरकार आगे भी पर्यावरण के लिए हर संभव कोशिश करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आपका सवाल हो? नहीं, इसके खिलाफ कोई रणनीति नहीं है। मुझे लगता है कि हम केंद्र सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। वो केंद्र सरकार जो 2 बार अपने सारे मंत्रियों को उतारने के बावजूद दिल्ली के अंदर नहीं जीत पाई, वो केंद्र सरकार आज इस हद पर उतर आई है कि दिल्ली के सरकार के मंचों पर पुलिस से कब्जा कराकर प्रधानमंत्री के होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। इनको आईना जो है हम पूरी दिल्ली के अंदर दिखाएंगे। और कोई सवाल?